6 दिसंबर की बरसी पर यूपी में अलर्ट। अयोध्या में पुलिस का फ्लैग मार्च। मथुरा में हिंदू महासभा के ऐलान पर अलर्ट। हनुमान चालीसा के पाठ पर तनाव। कहाँ जाना चाहते हो आप? हिंदू महासभा का चालीसा पढ़ने का ऐलान। शाही ईदगाह के बाहर सुरक्षा कड़ी। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। इस बीच एक बड़ी खबर, 6 दिसंबर की बरसी पर यूपी में हाई अलर्ट जारी किया गया है। अयोध्या में बढ़ाई गई है सुरक्षा व्यवस्था। अयोध्या में पुलिस का फ्लैग मार्च। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, अयोध्या में पुलिस का फ्लैग मार्च, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है और ऐसे में जो है 6 दिसंबर की बरसी पर यह अलर्ट जारी किया गया। अयोध्या में बढ़ाई गई है सुरक्षा व्यवस्था। 6 दिसंबर को शाही मस्जिद ईदगाह में हनुमान चालीसा का पाठ और लड्डू गोपाल का अभिषेक करने की अखिल भारत हिंदू महासभा की घोषणा के बाद सतर्क हो गई है पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा बढ़ा दी गई है। बता दें कि अखिल भारत हिंदू महासभा आज मथुरा में मौजूद शाही ईदगाह में हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा करने के बाद सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। हिंदू महासभा ने शाही ईदगाह में हनुमान चालीसा पाठ करने का ऐलान किया है। वहीं इसी के साथ आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि हाई अलर्ट किस तरह से जारी किया गया है। हिंदू महासभा ने शाही ईदगाह में हनुमान चालीसा पाठ पढ़ने का ऐलान किया, जिसके बाद धारा 144 लगाई गई और किसी के भी यहां पर आने पर जाहिर तौर पर रोक लगाई गई है। ईदगाह के आसपास भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है ताकि कोई भी अनहोनी होने से रोका जा सके। हिंदू महासभा का चालीसा पढ़ने का ऐलान शाही ईदगाह में हनुमान चालीसा पढ़ने का यह ऐलान है। मथुरा में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है, पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसके बाद धारा 144 भी लगा दी गई है और किसी के भी यहां आने पर रोक लगाई गई है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर यूपी से ये तस्वीरें आ रही हैं। आप देख रहे हैं कि यूपी में यह हाई अलर्ट जारी किया गया है। मथुरा में हिंदू संगठन ने शाही ईदगाह में लड्डू गोपाल की स्थापना करने का ऐलान किया है, जिसके बाद पुलिस अलर्ट पर है। वहीं शाही ईदगाह का शुद्धिकरण करने जा रहे एक शख्स पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दरअसल हिंदू महासभा के शाही ईदगाह में चालीसा पाठ के ऐलान के बाद इलाके में पुलिस ने अलर्ट को बढ़ा दिया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि एक शख्स को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। धारा 144 लगा दी है। 6 दिसंबर यानी कि आज के दिन शाही मस्जिद ईदगाह में हनुमान चालीसा का पाठ और लड्डू गोपाल का अभिषेक करने की अखिल भारत हिंदू महासभा की घोषणा के बाद सतर्क हो गई है पुलिस और इसी के साथ यहां पर धरपकड़ भी शुरू कर दी है। प्रदेश आप देख रहे हैं कि किस तरह से प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। अयोध्या प्रयागराज और सोरो पवित्र जल लेके आए हम जी, फूल बरसा रहे हैं और जा योगी जी फूल बरसा रहे भाई साहब। अरे भाई साहब योगी कहाँ जाना, कहाँ जल चढ़ाना है? जन्मभूमि पे, ईदगाह पे भी जल चढ़ाना चाहते हो? हाँ, उसका शुद्धिकरण करना चाहते हैं हम। क्या हो गया ऐसा वहाँ पर? कहाँ से जल लाए हो? हम प्रयागराज अयोध्या और सोरो। छह दिसंबर यानी अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने की बरसी। इस ढांचे को गिराए जाने की आज 30वीं बरसी है। इसी के मद्देनजर अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है। यूपी पुलिस के साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों ने शहर में फ्लैग मार्च किया। वहीं होटल और धर्मशालाओं की चेकिंग की जा रही है। अयोध्या में बाहर से आने वाली गाड़ियों की सघन तलाशी ली जा रही है। हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी, और सभी होटल दावा वगैरह की चेकिंग भी हो रही है। और हम लोग का अभी मैंने निर्देश दे चुका हूँ, पूरा जनपद में आना जाना वाला सभी फोर व्हीलर्स के ऊपर भी निगरानी सुबह से चल रही है। हर चीज़ का हम लोग चेकिंग अच्छी तरीके करिए, हमारे पूरा जनपद पर पूरा अच्छी तरीके पूरी चेकिंग करिए।
लंबे समय तक कोर्ट में सुनवाई के बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था। कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। खुद पीएम मोदी ने श्री राम मंदिर का भूमि पूजन किया था। वहीं मथुरा में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के ऐलान के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 6 दिसंबर के मौके पर हिंदू महासभा ने मथुरा चलो का आह्वान किया है, जिसमें कहा गया है कि शाही ईदगाह में दाखिल होकर हिंदू महासभा के कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। 6 दिसंबर का हनुमान चालीसा का कार्यक्रम है वो यथावत रहेगा, चाहे मथुरा प्रशासन हमको जेल भेज दे या हमें फांसी चढ़ा दे। मथुरा में पुलिस समेत प्रशासन का पूरा अमला अलर्ट पर है। अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। प्रशासन ने श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह के आसपास के क्षेत्र को 2 सुपर जोन, 4 जोन और 8 सेक्टरों में बांटा गया है। जिले में धारा 144 भी लगाई गई है। धारा 144 लगी हुई है, कोई भी ऐसा आयोजन नहीं होने दिया जाएगा जिसकी पूर्व से प्रशासनिक अनुमति नहीं है। जनपद की सुरक्षा व्यवस्था तथा कानून व्यवस्था सुदृढ़ रखने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से तत्पर और तैयार है। मथुरा प्रशासन ने जिले में बिना अनुमति के किसी भी राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक संगठन के 5 या 5 से ज्यादा लोगों के जमा होने, धरना देने, प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी है। ये रोक अगले साल 28। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।